हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, ज़बरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं विंग कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और कमेंट्स भी आए कि सर विंग का अपडेट दीजिए, कब इसके इवेंट आ रहे हैं और इवेंट आने पर क्या हमें उछाल देखने के लिए मिलेगा, कुछ मूवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है। तो आज सबसे पहले दोस्तों क्वाइन मोमो को देखेंगे, क्वाइन मार्केट कैप देखेंगे, फिर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके इसका प्रेडिक्शन करके देखेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल नहीं है फ्रॉड से बच कर रहे दोस्तों। मेरा सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर मैं मेरा एक ही नंबर है 7078188786। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है दोस्तों। अगर आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीआईपी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली सिग्नल देता हूं। पेड ग्रुप है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहां पर विंग कॉइन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, मैंने कॉइन मार्केट कैप को ओपन करके रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 150 नंबर पर रैंकिंग कर रहा है दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हमें देखने के लिए मिला था विंग कॉइन में, एक अच्छा खासा उछाल के बाद नीचे जाता हुआ मिला था। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं कॉइन मोमो के ऊपर, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ विंग कॉइन को दोस्तों, और देखेंगे इसके इवेंट कब है, और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पर जाके इसका प्रेडिक्शन भी करके देखेंगे कि प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकता है या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों विंगली, यानी कि BTC पेयर में बात करो तो -1% के माइनस में चल रहा है, एथेरियम पेयर में 0, और टोटल में बात करो तो -3% अभी चल रहा है डाउन, क्योंकि अभी थोड़ा सा करेक्शन लिया मार्केट ने। और यहाँ पर कॉइन मोमो पर रैंकिंग दिखा रहा 191, ठीक है। और इनके ट्विटर अकाउंट पर चल के एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट है या नहीं। तो 71,000 यहाँ पर इनके फॉलोवर्स है। यहाँ पर आप देखें विन इज़ नाउ लिस्टेड ऑन ओवर 30 एक्सचेंज, यानी कि इन्होंने बताया कि विन क्वाइन जो है 30 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर आप एक्सचेंज की लिस्ट देख सकते हैं, बाइनेंस, और ये देखिए गेट IO, मैक्स, डी क्वाइन, OKX, मतलब सभी क्वाइन यहाँ पर एक्सचेंज के इन्होंने नाम दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप प्रॉफिट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर इन्होंने बताया विंक लिंक ओरेकल टैक्स थर्ड प्लेस इन द ओरेकल क्वाइंस और क्वाइन मार्केट कैप। तो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़, मतलब आपने अगर अभी तक इनका जो ऑफिशियल ये ट्विटर अकाउंट है ये वाला, इसको अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए विंक लिंक नाम से, जहाँ पर आपको लेटेस्ट इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंकिंग द रियल द वर्चुअल वर्ल्ड द फर्स्ट ट्रॉन इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज ओरेकल ट्रॉन TRX विंक लिंक विन टेलीग्राम, इनका ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें टेलीग्राम के डिटेल्स भी, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर मना कर रहा है शायद इनका टेलीग्राम ये नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप रेडिट पर जाकर इनकी सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर। मार्केट कैप यहाँ पर आप देखेंगे 24 आवर्स की होल्डिंग। अब नीचे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहला तो दोस्तों एक इसका इवेंट है न्यू पार्टनर्स नाम से, 31 दिसंबर को है, ब्रिंग्स न्यू पार्टनर इनटू विंग इकोसिस्टम टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग Q4 2021, पहला इवेंट ये। सेकंड इवेंट की मैं बात करूँ तो सेकंड आप देखेंगे विंक लिंक 31 दिसंबर को न्यू गेम्स नाम से, ब्रिंगिंग मोर न्यू गेम्स ऑनलाइन फीचर्स इवेंट एंड प्रमोशन ड्यूरिंग Q4 2021। तो ये सेकंड है दोस्तों, ये इन्होंने कब ऐड हुआ था, यहाँ पर आप देखते हैं 24 अक्टूबर को ये इवेंट ऐड किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो इनका तीसरा इवेंट है वो भी है 31 दिसंबर को, लाइव बर्न मंथली विन डैश एंड लाइव बर्न ड्यूरिंग Q4 2021। तो यहाँ पर इन्होंने लाइव बर्न कर लिए बताया है कि ये तीसरा जो इवेंट है इनका ये भी 31 दिसंबर को ही होगा। उसके बाद चारवा इवेंट है दोस्तों स्पोर्ट्स बैटिंग ऑप्शन, यानी कि मोर स्पोर्ट बैटिंग ऑप्शन, यहाँ पर इनका भी ये भी चारवा इवेंट है, वो भी 31 दिसंबर को है। तो टोटल इनके दोस्तों आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर के दिन टोटल 4 इवेंट होने वाले। अब इस इवेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो भी बात करेंगे, एक बार प्रेडिक्शन भी देख लेंगे। पहले नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हम लोग तो प्राइस अभी ये करंट प्राइस चल रहा है मार्केट के, अब यहाँ पे आगे ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखेंगे इतना है, वॉल्यूम इतना है 24 आवर्स में लो और हाई इतना गया है, 0.00053 गया था, अभी 4792 चल रहा है मार्केट के, 191 दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई दिखा रहा है 0.002894 दिखा रहा है, ऑल टाइम लो दिखा रहा है 0.00004119 दिखा रहा है। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिस्ट टीम क्या कह रही है, अभी बाय का ऑप्शन दे रही है, भाई बाय कर लीजिए, 9 न्यूट्रल है, 2 ने सेल का ऑप्शन दिया, 15 लोगों ने बाय का ऑप्शन दिया। 5 मिनट की बात करूँ तो यहाँ पर भी न्यूट्रल है लगभग, 15 मिनट पहले सेल का ऑप्शन था, 30 मिनट पहले भी सेल का था, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, तो यहाँ पर मोस्टली अभी जो है सेल और न्यूट्रल का ऑप्शन रहा। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट की बात करूँ तो यहाँ पर बाइंग का ऑप्शन दिया हुआ है अभी, मतलब टेक्निकल एनालाइज जो है वो कह रहे हैं कि इसको आप बाय कर सकते हैं इस टाइम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखेंगे इसका प्रेडिक्शन। अभी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास विन क्वाइन है तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं, और आपने बाय नहीं किया तो बाय कब करना ये भी आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों ये देखिए मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो प्राइस अभी देखिए लाइव प्राइस अभी आप देख सकते हैं 0.00049 का समथिंग चल रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो पहला सपोर्ट लेवल दोस्तों यहाँ पर 5.00513 है। अगर इसको यहाँ पर ब्रेक कर पाता है ये ऊपर की तरफ जाके तो दोस्तों प्राइस 5450, 5859, 6358 और 6868 तक प्राइस जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। यानी कि अभी जो यहाँ पे इस तरीके से डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला, इस तरीके से अभी ट्रेडिंग चल रही है और यहाँ से प्राइस इस तरीके से जाता हुआ हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ प्राइस की के जैसे तरीके से बताया कि चार इवेंट इसके हैं 31 दिसंबर को, तो अगर इवेंट का फ़र्क पड़ता है और यहाँ से प्राइस अगर मोमेंट लेता है तो दोस्तों प्राइस इस तरीके से ऊपर जा सकता है। और प्राइस यहाँ से यानी कि अभी बात करूँ 4-5 पैसे के समथिंग है तो प्राइस 6-7 पैसे या 8 पैसे भी टच कर सकता है और ज़्यादा भी टच कर सकता है अगर यहाँ से यहाँ पर अगर अच्छा खासा मोमेंट रहा और ये जितने भी सपोर्ट लेवल है अगर इनको ब्रेक कर पाया तो ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो प्राइस दोस्तों अगर नीचे की तरफ हमें देखने की बात करूं तो यहां पर अगर यहां से नीचे जाता है प्राइस तो हमें प्राइस 0.00045 तक जाता हुआ मिल सकता है और उसके बाद 4200 तक जाता हुआ मिल सकता है। लेकिन यहां पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए यहाँ से लेकर दोस्तों प्राइस इस तरीके से रहा तो यहाँ से उम्मीद रहेगी प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट ले सकता है। यानी कि यहाँ से इस तरीके से प्राइस जा सकता है और क्योंकि इवेंट भी है इवेंट के साथ साथ प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों चार्ट को 30 मिनट के चार्ट पे लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो मार्केट में करेक्शन आया था उस करेक्शन से क्या हुआ था। अब देखिए पूरी मार्केट जब अभी थोड़ी सी टूटी तो यहाँ पर ये इस तरीके से देखने को मिला, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे कि अप ट्रेंड यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंट हमें मिल सकता है। अगर मैं दोस्तों वन आवर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे वन आवर में देखिए ग्रीन सिग्नल मिला, एक ग्रीन कैंडल बना जो कि एक अच्छा खासा मोमेंट दिया, जिसमें मतलब यहाँ पे अभी मार्केट टूटी थी तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्राइस गया था। और मैं यहाँ से दोस्तों अगर वन डे की बात करूँ, वन डे चार्ट की तरफ चलते हूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे वन डे चार्ट इसका ये है और वन डे चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मतलब उछाल था लेकिन यहाँ पर डाउन ट्रेंड इस तरीके से रहा दोस्तों, ये यहाँ पर इस तरीके से रहा क्योंकि अभी वन डे ये वाला जो दिखा रहा है बियर दिखा रहा है जो कि अभी करेक्शन लिया था। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ये जो ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये वाली ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल में मिल सकता है देखने के लिए। यानी कि प्राइस दोस्तों 0.00051 से लेकर 68 तक जा सकती है, यानी कि 0.00051 से लेकर 0.00068 तक प्राइस यहाँ से जा सकता है, पूरी उम्मीद रहेगी जाने की। लेकिन अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ अगर नज़र आए तो दोस्तों प्राइस जो मैंने आपको बताया कि 0.00045 या 0.00042 तक जाने की उम्मीद रहेगी। लेकिन डाउन ट्रेंड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और अप ट्रेंड के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अप ट्रेंड के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी इवेंट आ रहे हैं, इसके चार इवेंट है, एक इवेंट नहीं है और चार इवेंट का एक अच्छा खासा फ़र्क यहाँ पर पड़ सकता है, एक अच्छा खासा मूवमेंट हम देखने के लिए मिल सकता है, एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो अगर मैं एंट्री की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एंट्री बताना चाहूँगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं अभी अगर न्यू एंट्री अगर आप लेना चाहे तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है यहाँ पे जो कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी विन कॉइन है तो फिर तो दोस्तों उसको आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट लेगा, अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा, आज नहीं मिलेगा अगले 6 महीने में 1 साल में मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ये कैंडल नीचे की तरफ जाता है तो प्राइस दोस्तों 0.00045 तक जा सकता है तो आप एंट्री 45 पे जाकर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर अप ट्रेंड की नज़र आए यानी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो प्राइस जो अभी प्राइस चल रहा है 0.00049 पे आप एंट्री ले सकते हैं 30% रेशियो के साथ, और 30% रेशियो दोबारा आप जब थोड़ा सा नीचे जाएगा तब एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यानी कि जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई अगर इसको ब्रेक करता तो प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा और प्राइस 0.00050 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर 30% की एंट्री हम ले सकते हैं और 30% की एंट्री फिर 5000 पे ले सकते हैं या अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो प्राइस वहाँ पे ले सकते हैं। मतलब आपको देखना होगा ये ट्रेंड लाइन आप लगा के देख सकते हैं खुद से, अगर आप प्राइस ऊपर तरफ जाता नज़र आया तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ से ये करेक्शन लेता है यानी कि ये जो कैंडल्स मैंने बनाया ये वाला अगर यहाँ से करेक्शन लेता तो प्राइस 0.00045 पे आप एंट्री ले सकते हैं, 4200 पे एंट्री ले सकते हैं और 4800 पे एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री ये और पुराने लोगों को यही कहूँगा कि आप होल्ड रखिए, अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। बाकी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, इवेंट का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो देखते हैं, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड है कि अभी 31 तारीख को मार्केट का क्या हाल रहेगा, किस तरीके से रहेगा,
तो मिलेगा दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।